वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको गाजर के हलवे की रेसिपी दूंगी, उसके आवाज जरा नोट कर लीजिए। गाजर के हलवे के लिए मैंने ये 2 kg जो गाजरें ली थी और मैंने इस तरह उनको कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल बारीक। और उसके लिए हमें खोया चाहिए जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, ये 250 ग्राम है। असली घी है 250 ग्राम। चीनी मैंने लिए 250 ग्राम। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो लास्ट में हम बिल्कुल गार्निश के लिए ऐड करेंगे। और ये 2 लीटर दूध लिया है मैंने, जो मैंने उबाल लिया है। अब हमें स्टार्ट इस तरह करना है कि हमें भगोने में गाजरें लेनी हैं और इसका पानी रिड्यूस होने के लिए इस एक पैन में डाल के, अब इसका पानी रिड्यूस होने के लिए चूल्हे पर रख दें। जब इसका पानी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा तब हम इसको दूध में डालकर पकाएंगे, राइट। अब मैं आपको इसे चूल्हे पर रख के दिखाती हूँ। हम इस तरह इसे रखेंगे और इसको बिल्कुल स्लो हीट पे छोड़ देंगे और आज थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। ये हमारी गाजर का जो कलर है, पानी है, बिल्कुल इसका रिड्यूस हो चुका है। देखें जैसे ही आपकी गाजर, देखें बिल्कुल जितनी थी उससे हाफ़ हो गई है। हमें इसमें ही इसके पानी का, इसका पानी रिड्यूस हमें अलग से करना है, वरना फिर दूध में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। अब हमें करना ये है कि हम ये सारी गाजरों को, जिसका पानी हमने रिड्यूस किया है, उसको हम दूध में शिफ्ट करेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। जब ये दूध में खूब पक जाएंगी, और गल तो गई ही है, पानी रिड्यूस होने के साथ ही गल गई हैं। अब जब ये खूब हम इसको पकाएंगे, जब दूध भी बिल्कुल ना रिड्यूस हो जाएगा, इसमें जज्ब हो जाएगा, उस स्टेज पे हम इसमें चीनी डालेंगे और फिर पकाएंगे हम इसको। फिर हम इसमें लास्ट में इसमें घी ऐड करेंगे और खूब अच्छी तरह इसको भूनेंगे। और फिर सबसे लास्ट में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो सब ऐड कर देंगे। और इस तरह ये हमारा गाजर बहुत ईजी है, क्विक एंड ईजी। सबसे इजी जो है तरीका यही है गाजर के हलवा बनाने का। और आप मेरे गाजर के हलवे का कलर भी देखिएगा, गाजरों का कलर वही रेड रहेगा, ना कि काली होंगी ना डार्क कलर होगा। आप इसका बना के देखिएगा, आपको पसंद आएगा इस रेसिपी से, बहुत इजी है। अब इस तरह आप इसको दूध में पकने के लिए रख दें। दूध के साथ पककर ये जब बिल्कुल थिक फॉर्म में आ जाएगा, उस स्टेज पे हम इसमें चीनी डालेंगे। जब चीनी अपना पानी खुश्क हो जाएगा, चीनी भी पानी छोड़ती है, उसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसमें असली घी डालेंगे। अच्छा, चीनी की मकदार मैंने 250 ग्राम बताइए, अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कम कर लीजिएगा। और घी भी मैंने 250 ग्राम बताया है, तो जितना हमें चाहिए होगा हम इसमें से उतना ही लेंगे। लाजमी नहीं कि सारे ही डाला जाए, तो खोया तो गार्निश के लिए है और ये ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए है, राइट। ये देखें हमारा जो है दूध बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। मैंने आपसे बताया था कि जब ये बिल्कुल थिक फॉर्म में आ जाएगा, उस स्टेज पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने 250 ग्राम शुगर ली है, आप अगर कम खाते हैं तो आप कम लीजिएगा, क्योंकि बहुत हैवी होता है ये हलवे टाइप की चीज़ें, जितनी भी होती हैं बहुत हैवी होती हैं, तो एहतियात से उसमें मीठा डाला करें। वैसे 250 ग्राम इसमें काफ़ी है, लेकिन बाद लोग बहुत कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकती हैं इसकी मकदार। अब ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी जैसे ही, तो ये और लिक्विड हो जाएगा। जब ये फिर दोबारा इसका पानी रिड्यूस होगा, उस स्टेज पे हम इसमें असली घी डाल देंगे, राइट। ये देखें हमारे, अब हमने जो चीनी डाली थी उसका पानी भी रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें असली घी डाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जब आप इसमें चीनी ऐड करें उसके बाद आपने बिल्कुल भी चमचा नहीं रोकना है, मुसलसल चमचा चलाना है, क्योंकि चीनी फ़ौरन मेल्ट होती है और वो कैरामलाइज हो जाती है और फिर वो आपकी चीज़ जो है वो जल जाती है, जलने की स्मेल आ जाएगी। मैंने घी थोड़ा कम लिया है, अभी हमने आधा लिया है 250 ग्राम में से, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद और डाल देंगे, वरना यही काफ़ी है। अब इस तरह इसको खूब अच्छी तरह भूना है, अब आपने बिल्कुल हाथ नहीं रोकना है वरना आपका हलवा जल जाएगा। और ये मैंने बादाम पिस्ते जो हैं ये मैंने पीस लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे कूट लिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अलग अलग निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैं इस फॉर्म में डालती हूँ। आप चाहें तो आप इसे काट के डाल लें, या आप इसे बिल्कुल साबुत डाल दें, या आप इस स्टेज पे बिल्कुल पीस के पाउडर फॉर्म में भी डाल सकती हैं बादाम पिस्ते और काजू को। हमें घी की और ज़रूरत पड़ेगी, बाज़ार की चीज़ों से जान छुड़ा लें, घर में बनाना सीखें और बनाया करें। घर में इत्मीनान रहता है कि हर चीज़ आपने, ये असली घी भी मैंने घर में ही निकाला हुआ है, असली घी भी मैंने घर में बनाया है। घर दूध जो आता है, दूध की बलाई जब इकट्ठी हो जाती है तो मैं उसको जमा करती रहती हूँ, जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो मैं उसको पका के उसका असली घी निकाल लेती हूँ।
بازار پہ انحصار نہ کریں، بہت مضر صحت چیزیں آ رہی ہیں، اللہ کا واسطہ گھر میں بنانا سیکھیں، ہر چیز گھر میں بنائیں، کوئی اس میں محنت نہیں لگتی، آپ اپنے بچوں کو اچھی اور ہیلدی چیزیں کھلائیں۔ دیکھیں جب سے میں نے اس میں چینی اور گھی ایڈ کیا تھا، میں اس وقت سے مسلسل اس میں چمچ چلا رہی ہوں، آپ نے بالکل چمچ چلانا نہیں چھوڑنا ہے۔ اب حلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا، اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ حلوہ چلائیں گی تو یہ کناروں سے الگ ہو کے اور ایک جگہ جمنا شروع، ایک جگہ جوڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کنارے چھوڑنا شروع ہو گیا ہمارا حلوہ۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حلوہ ریڈی ہے۔ جتنا زیادہ آپ بھونیں گی اتنا زیادہ ٹیسٹ آئے گا اس میں، صحیح ہے؟ اب اس کو اس طرح بھونتی رہیں، اور جیسے یہ بالکل کنارے چھوڑنا، میرا کنارے چھوڑنا شروع ہو گیا ہے حلوہ، میرا پاٹ چھوٹا ہے اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں پا رہی ہوں۔ بالکل میرا حلوہ اب ریڈی ہے، صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل جڑ کے ایک جگہ، ایک جگہ جمع ہو گیا یہ، اٹ مینس کہ ہمارا حلوہ اب ریڈی ہے، رائٹ؟ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ میں نے حلوے کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ اچھا، ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے میں نے جو اس میں کھویا تھا وہ میں نے اس میں مکس کر لیا تھا۔ آپ چاہیں اوپر سے گارنش کر دیں، آپ چاہیں اس میں مکس کر دیں، اور اوپر سے ڈرائی فروٹس لگا دیے میں نے۔ اچھا، ایک چیز اور، اگر آپ کے پاس کھویا نہ ہو تو فل کریم ملک پاؤڈر آتا ہے، نیڈو آتا ہے، آپ وہ جو ہے جب آپ چینی ڈالیں گے آپ اس سٹیج پہ وہ ملک پاؤڈر ڈال دیں گے، یا جس ٹائم آپ بھون رہی ہوں گی بالکل چکنائی اس کی چھوٹ گئی ہوگی اس ٹائم پر آپ بالکل ایک کپ ملک پاؤڈر کا ڈالیں گی تو وہ اس طرح کھوئے کے فارم میں آ جائے گا، رائٹ؟ کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ جیسا چاہیں اس میں ویریشن کر لیں۔ اگر کھویا نہ ہو تو آپ ملک پاؤڈر لے لیں، وہ بھی نہ ہو تو ہم نے 2 کلو دودھ تو اس میں ڈالا ہی ہے، 2 لیٹر دودھ تو ہم نے ڈالا ہی ہے، تو وہ بھی کھویا ہی بن گیا ہے، رائٹ؟ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ٹیسٹی ہے یہ۔ نہ میں نے اس میں کوئی چھوٹی الائچی ڈالی ہے، نہ جائفل، نہ جاوتری، بازار والے بہت بیڑا غرق مار دیتے ہیں حلوے کا۔ آپ اس طرح بنا کے دیکھیے گا، اور بہت ایزی ہے اور بہت جلدی بنا ہے، تقریباً یہ 3 گھنٹے میں بن گیا ہے، رائٹ؟ اچھا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔